गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और जैसा कि हम उसमें 5-year plan पढ़ रहे थे, तो हमने 5th 5-year plan तक देख लिया था। तो आज हम जो 5-year plan देखेंगे वो है 6th 5-year plan और 7th 5-year plan। तो जो 6th 5-year plan था वो 1980 से 1985 के बीच में था। इसका मेन एम की अगर बात करें तो जो द मेन एम ऑफ दिस प्लान वॉज टू मेक प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ सिस्टम विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इसका जो मेन एम था वो ये था कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको किसका पार्ट बनाया जाए, नेशनल हेल्थ सिस्टम का पार्ट बनाया जाए, जो कि सारे सेक्शंस और सोसाइटी और कम्युनिटी के पास एक्सेसिबल हो, मतलब वहाँ तक वो पहुँच पाए। प्राइमरी हेल्थ केयर जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना ही ज़्यादा हम किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो जितनी ज़्यादा डिजीज़ कंट्रोल होगी उतनी ही ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। प्रायोरिटीज़ की अगर बात करें तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना था। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन डिस्पेंसरीज, हमें रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिस्पेंसरीज़ का डेवलपमेंट करना था ताकि जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो अगर किसी भी एरिया में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, हम उसको फास्ट आइडेंटिफाई कर सकें और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दे सकें और मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स बढ़ने से बचा जा सके। थर्ड था इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी हमारी मेडिकल एजुकेशन में उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करवा पाएंगे। जैसे जैसे हमारे क्वालिटी सिस्टम बढ़ेगा वैसे ही वैसे जो पेशेंट की जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए जो थर्ड प्रायोरिटी थी इस प्लान की वो ये थी कि हमें मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, हमें जो फूड में मिलावट होती हैं, जो खाद्य पदार्थ में मिलावट होती हैं उसको रोकना है। इसको क्यों रोकना है, क्योंकि अगर हम फूड जो ऐसी चीज़ है जो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है ना, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और अगर आप तक उस फूड का जो गुड न्यूट्रिएंट है वो नहीं पहुंचेगा तो आपकी जो बॉडी की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो फूड खाया है उसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही। तो इसलिए लोगों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन को मेन प्रायोरिटी माना गया इस 5-year plan में। जो 5th था इसका प्रायोरिटी वो ये थी कि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ लोगों तक होनी चाहिए। वाटर सप्लाई मतलब गुड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए, और जो डेफिकेशन फैसिलिटीज़ हैं या जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ओपन डेफिकेशन को हमें क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, ताकि लोगों की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो फर्स्ट जो इसका मेजर डेवलपमेंट था वो ये था कि इस 6th 5-year plan में जो WHO है उसने क्या डिक्लेयर किया था, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड। WHO डिक्लेयर्ड इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड। WHO ने क्या डिक्लेयर किया कि पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। सेकेंड की अगर बात करें टू सजेस्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम टू बेनिफिट रूरल एंड वीकर सेक्शन सो दैट वी कैन इम्प्रूव देयर हेल्थ। सेकेंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लाने चाहिए जो किसको बेनिफिट करेंगे, रूरल और वीकर सेक्शंस को, ताकि हम उन लोगों की जो हेल्थ है उसको क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो रूरल और वीकर सेक्शन होते हैं वो ज़्यादा मेडिकल सर्विस अपने ही एक्सपेंसेस पे नहीं ले सकते, क्योंकि उनके जो कमाई होती है वो कम होती है, और जो उनके मेडिकल हम एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम को सजेस्ट किया गया, ताकि हम उन लोगों की हेल्थ को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। थर्ड मेजर डेवलपमेंट था कि 1981 की जो सेंसेस है वो ले ली गई थी, 1981 सेंसेस वेट टेकन, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग इस दौरान पैदा हुए और कितने लोगों की डेथ हुई, और हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उस चीज़ का। इसलिए जो 1981 की सेंसेस है वो इस दौरान ले ली गई थी। फोर्थ की अगर हम बात करें
तो प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 1990। इसमें ये दिखाया गया कि हमें लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर को क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है, और जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो सबको देनी है कब तक, 1990 तक, ताकि लोगों को ओपन डेफिकेशन से रोका जा सके और लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। फिफ्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। इसमें क्या हुआ था, इसका जो मेजर डेवलपमेंट में ये भी है कि इस दौरान अगर हम ईयर की बात करें स्पेसिफिकली, तो 1982 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अनाउंस कर दिया गया था। सिक्स, नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम वॉज चेंज्ड इनटू नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या था, जो लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था, नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, उसको अब किस में चेंज कर दिया गया था, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में, ताकि लेप्रेसी को हम अपने देश से इरेडिकेट कर सकें। सेवन्थ, अगर मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड। ये एक ऐसी गैस ट्रेजेडी थी जो बहुत सालों तक और अभी तक याद रखी जाएगी, और इस गैस ट्रेजेडी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये इसी सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के बीच में हुआ था। एट्थ, अगर मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो प्रमोशन ऑफ गुड फूड सप्लाई एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल। जैसे कि हमने पहले देखा था प्रायोरिटीज़ में कि हमें फूड अडल्ट्रेशन रोकना है, क्योंकि अगर हम गुड फूड सप्लाई को प्रमोट करेंगे तो जो इम्प्रूवमेंट है न्यूट्रिशन स्टेटस का लोगों में वो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आपका न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी, और आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उत्पन्न होगी, और जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी पावर होगी उतना ही आप दूसरे होने वाले डिजीज से लड़ सकते हैं। और ये आपको कब मिलेगी, जब आप जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो पूरा गुणवत्ता वाला हो, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो। तो ये था सिक्स फाइव ईयर प्लान जो 1980 से 1985 के बीच में था। इसमें हमने इसकी एम्स पढ़े, इसकी प्रायोरिटीज़ पढ़ी और इसके मेजर डेवलपमेंट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सेवन्थ फाइव ईयर प्लान। सेवन्थ फाइव ईयर प्लान जो था वो 1985 से लेकर 1990 के बीच में आया था। इसका जो मेन एम था वो ये था, द मेन एम ऑफ दिस वॉज टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज टू ऑल एंड वनरेबल ग्रुप्स एंड दोज हु आर लिविंग इन रूरल हिली एंड रिमोट एरियाज टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। इसका मेन एम ये था कि हमें प्राइमरी हेल्थ केयर और जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो एक तो सबको पहुंचानी है, और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि ओल्ड एज पीपल, वुमेन्स और चिल्ड्रन, और उन लोगों को जो रूरल हिली और रिमोट एरियाज में रहते हैं उन तक पहुंचानी है, ताकि जो हमारा गोल है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 हम उसको अचीव करें। ठीक है, तो सेवन्थ फाइव ईयर प्लान का एक मेन एम यही था कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विस हैं वो सबको प्रोवाइड करवानी है, एस्पेशली टू वनरेबल ग्रुप्स लाइक ओल्ड एज पीपल, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, और जो पीपल हैं वो रूरल हिली और रिमोट एरियाज में रह रहे हैं उनको हमें प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है, ताकि हम हमारा जो गोल है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 उसको अचीव कर सकें। फिर अगर हम बात करें प्रायोरिटीज़ की, तो इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हेल्थ सर्विसेज एंड रूरल हिली एंड रिमोट एरियाज, हमें हेल्थ सर्विसेज है वो रूरल हिली और रिमोट एरियाज में क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों तक अच्छी हेल्थ को पहुँचा सकें, हमारी जो क्वालिटी है हेल्थ पहुँचाने की उसको इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्थ अच्छी होगी उतनी ही उस जगह मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी कम होगी। थर्ड था MCH एंड फैमिली वेलफेयर। MCH मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को इसका प्रायोरिटी माना गया। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका इंटीग्रेशन कर दिया गया ताकि लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, जैसे कि आयुष, आयुष के हिसाब से लोगों की हेल्थ को ट्रीट किया जा सके और उनमें जो भी कमी है उसको रेक्टिफाई करके उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट बात करें इसकी प्रायोरिटी की, फिफ्थ आखिरी प्रायोरिटी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। जैसे कि हमने पिछले जो
सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान था उसमें भी ये देखा था कि सेफ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन फैसिलिटी हमें लोगों तक प्रोवाइड करवानी है। सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में भी ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था, एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी थी, तक क्या कि हमें लोगों तक सेफ वाटर पहुंचाना है और जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो एडुकेट होनी चाहिए ताकि लोगों में ओपन डेफिकेशन के कारण होने वाले डिजीज़ और अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण होने वाले डिजीज़ को रोका जा सके। मेजर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट है इसका द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको लॉन्च कर दिया गया था 1985 में ताकि लोगों को जितने भी बच्चे हैं उनमें इम्यूनाइजेशन पहुँच सके। सेकेंड, अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वॉज एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया किसमें, वुमेन और चाइल्ड का, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो किस पे काम करेगा, वुमेन और चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर काम करेगा और इनके कारण होने वाली मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा। थर्ड की अगर बात करें, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। इस दौरान जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया था क्योंकि इस टाइम पे जो एड्स था वो अपनी चरम सीमा पे फैल रहा था और उसको कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसको शुरू कर दिया गया। फोर्थ, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। इसमें क्या था, जो डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम था उसको भी लॉन्च कर दिया गया ताकि हम डायबिटीज़ से होने वाली मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को कम कर सकें। फिफ्थ था, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 14 डिस्ट्रिक्ट। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम है उसको स्टार्ट सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट में किया गया ताकि पहले हम इसका आउटकम देखें, जैसे कि अगर इसका आउटकम अच्छा रहेगा तो हम इसको और भी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करेंगे, ओपन करेंगे और लोगों को होने वाली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाव करेंगे और उसके कारण होने वाली मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट से उसको बचाएंगे लोगों को और हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। सिक्स्थ की अगर हम बात करें, 1991 की सेंसिस को कंडक्ट कर लिया गया था। जो पिछला फाइव ईयर प्लान था उसमें हमने देखा था कि 1981 की सेंसिस को लिया गया था, हर 10 साल में हमारी सेंसिस होती है, तो इस में क्या, इस फाइव ईयर प्लान में 1991 की सेंसिस को कंडक्ट किया गया। सेवन्थ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नर्सिंग स्ट्रक्चर एंड सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विथ वेल क्वालिफाइड नर्सिंग पर्सनल्स। नर्सिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, किसके द्वारा, विथ वेल क्वालिफाइड नर्सिंग पर्सनल्स, मतलब कि गुड क्वालिफाइड नर्सिंग पर्सनल की मदद से जो नर्सिंग स्ट्रक्चर है उसको सेंट्रल पे भी किया गया मजबूत, स्टेट लेवल पे भी मजबूत किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मजबूत किया गया ताकि हम गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों तक पहुँचा सकें। एट्थ, अगर प्रायोरिटी की बात करें तो ये था कि टू हैव हायर एजुकेशन इन नर्सिंग लाइक MSc नर्सिंग एंड PhD इन नर्सिंग। एट्थ जो इसकी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो नर्सिंग कोर्सेज हैं उसमें अब हायर एजुकेशन जैसे कि MSc नर्सिंग और PhD नर्सिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारे फाइव ईयर प्लान थे उसमें हमने आज दो फाइव ईयर प्लान पढ़े, मेनली वो कौन कौन से थे, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान और सेवन्थ फाइव ईयर प्लान। इन दोनों फाइव ईयर प्लान में हमने देखा कि उस फाइव ईयर प्लान को कब स्टार्ट किया गया था, उसके एम क्या थे, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या थी और उस दौरान जब वो लॉन्च किया गया तो उसकी मेजर डेवलपमेंट क्या थी। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एट्थ फाइव ईयर प्लान और नाइन्थ फाइव ईयर प्लान। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको और भी अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा और आप रेगुलर यो जो क्लासेज हैं उनको देखिए ताकि जो आपका लेवल है, जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके और जो आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू रह सके। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।